Very good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Today I am presenting computer subject for standard 5th. Chapter 5 Microsoft Excel Part 1. बच्चों, Microsoft Excel क्या है? आज हम ये पार्ट में पढ़ेंगे. इसके पहले पार्ट में हमने वर्ड पढ़ा था, MS Word, है ना? MS Word डॉक्यूमेंट के लिए यूज होता है. And MS Microsoft Excel, that means MS Excel, है ना? MS Excel ये एक वर्कशीट होती है, स्प्रेडशीट होती है. इस पे हम कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और डेटा डेटा हैंडलिंग के लिए ये यूज होता है. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर 5th, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. उसके पहले आपको आपकी टेक्स्ट बुक हाथ में लेनी है. एंड ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड चैप्टर 5 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. चैप्टर 5 में बच्चों हम कौन कौन से टॉपिक हम आज सीखने वाले हैं या ये चैप्टर में सीखने वाले, पहले वो देख लेते हैं. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, है ना? आज हम उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, वर्कशीट क्या होती है, एडिंग अ वर्कशीट, रीनेमिंग अ वर्कशीट, डिलीटिंग अ वर्कशीट, मूविंग एंड कॉपिंग अ वर्कशीट, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, डिलीट कॉलम एंड रो, हाइडिंग कॉलम एंड रो, चेंजिंग द रो विड्थ, चेंजिंग द रो हाइट एंड व्यू मेनू. बच्चों, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कौन कौन से टॉपिक है, है ना? ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम क्या क्या कर सकते हैं, वर्कशीट में वर्कशीट को नाम दे सकते हैं, उसको वो वर्कशीट जो भी क्रिएट की है वो हम डिलीट भी कर सकते हैं, है ना? उसमें हम बहुत सारे फीचर्स देखेंगे, जैसे कि रो इंसर्ट करना, कॉलम इंसर्ट करना, डिलीट करना, अगर इंसर्ट किया है तो डिलीट करना, हाइड यानी जो कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, जो किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, तो उसके लिए ये हाइडिंग का ऑप्शन यूज़ किया जाता है. चेंज अभी फॉर्मेशन के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए हमको चेंजिंग हाइट और विड्थ की ज़रूरत पड़ती है. और व्यू मेनू क्या है और उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितने कितने फीचर्स है वो हम आज देखेंगे. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट हेल्प अस टू स्टोर एंड एनालाइज द डेटा. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दैट हेल्प्स अस टू स्टोर एंड एनालाइज द डेटा. कोई भी डेटा है वो स्टोर करने के लिए ये एप्लीकेशन यूज होता है. यस, एंड इट ऑर्गेनाइज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम. वी कैन क्रिएट द चार्ट्स एंड ग्राफ फ्रॉम द डेटा एंड कन्वे मोर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन थ्रू देम. उसके ये यूज़ करके हम प्रेजेंटेटिव डेटा बना सकते हैं और बहुत अच्छे से हमारा इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? MS Excel is ऑफ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू दोज हु मेंटेन अकाउंट फॉर अ सेल. ये MS Excel बहुत जो अकाउंटिंग का काम करते हैं, सेल्स में बिल्स मेंटेन करने में और डू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, है ना? ये MS Excel इसलिए यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट फॉर द डेटा. अपना सॉफ्ट कॉपी, है ना, एक सॉफ्ट डेटा क्रिएट करने के लिए MS Excel यूज़ किया जाता है. इट इज यूज टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट फॉर डेटा. MS Excel हैज फीचर्स एंड एप्लीकेशन फॉर कैलकुलेशन, ग्राफिंग टूल्स एंड टेबल फॉर प्रेजेंटिंग
टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डेटा। एमएस एक्सेल के बहुत सारे फीचर्स हैं एंड उसके एप्लीकेशन हैं, कैलकुलेशन के लिए, ग्राफिक टूल्स के लिए एंड टेबल्स प्रेजेंट करने के लिए, टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डेटा भी प्रेजेंट करने के लिए एमएस एक्सेल यूज होता है। बच्चों, इसके पहले आपने एमएस एक्सेल देखा है कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में, पहले तो उसको कैसे ओपन करना है वो पहले देख लेते हैं, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाती हूँ। बच्चों, अभी आप ये स्टार्ट मेनू देखो, है ना। स्टार्ट मेनू में जाके ये स्टार्ट बटन दिख रहा है, इसमें क्लिक करना है। इसमें यस, बच्चों अभी ये स्टार्ट मेनू है, स्टार्ट बटन कहाँ पे दिख रहा है, यस, है ना, क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको ऑल प्रोग्राम दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम में हमको ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिख रहा है, यस, इस पे हम क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बच्चों अभी देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, है ना। सी बच्चों, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, दिखाई दिया, यस, इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो हमको ये स्प्रेडशीट दिखाई देंगी, है ना। आपको पता चला हमने स्टार्ट बटन में से ऑल प्रोग्राम में गए, उसमें से हमने कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला फोल्डर सिलेक्ट किया, उसमें एमएस एक्सेल पे गए, है ना, तो ये हमारी स्प्रेडशीट निकली। ओके, अभी आगे देखते हैं कि वर्कशीट क्या होता है। आपने एमएस एक्सेल तो देख लिया, अभी उसमें क्या है, वर्कशीट है, वो देखेंगे। वर्कबुक कंटेन अ शीट, आपने जैसे ही एमएस एक्सेल ओपन किया तो हमको क्या दिखाई दिया, यस, एक शीट दिखाई दी, दैट इज कॉल्ड वर्कशीट। वही शीट को हम वर्कशीट बोलेंगे। बाय डिफॉल्ट वर्कबुक कंटेन थ्री वर्कशीट। अभी जैसे ही हम एमएस एक्सेल ओपन करेंगे ना बच्चों, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट थ्री वर्कशीट ही मिलेंगी, बट यू कैन ऑल्सो एड एडिशनल वर्कशीट। ईच शीट हैज नेम डिस्प्ले ऑन शीट टैब एट द बॉटम ऑफ द वर्कबुक। बच्चों अभी ये वर्कशीट जैसे ही ओपन करते हैं ना, तो उसमें वही वर्कबुक में थ्री वर्कशीट्स होती है, शीट वन, शीट टू एंड शीट थ्री, ऐसा नाम दिया होता है। और इसमें हम एडिशनली वर्कशीट भी डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, राइट, और उसको नेमिंग भी दे सकते हैं। वो जहाँ पे वर्कशीट को नाम देते हैं उसको क्या बोलेंगे, शीट टैब। शीट टैब पे हमको डबल क्लिक करना पड़ता है, वो हम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे, है ना। अभी आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखो कि वर्कबुक में बहुत सारी वर्कशीट्स होती है, बाय डिफॉल्ट हमको पहले थ्री वर्कशीट ही दिखाई देंगी, हम फिर उसमें ऐड कर सकते हैं। अभी एडिंग वर्कशीट में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट तो हमारी थ्री वर्कशीट तो होती है, राइट, बट उसमें ऐड करनी है तो कैसे करेंगे। यू कैन ऐड द वर्कशीट टू योर वर्कबुक टू क्रिएट अनदर शीट इन विच एंटर द डेटा। ऐड करने हमको बहुत सारा डेटा ऐड करना है तो हम वर्कशीट ऐड करेंगे। एक्सेल विल ऐड अ न्यू वर्कशीट इमिडिएटली आफ्टर द लास्ट वर्कशीट ऑन द राइट, है ना। जैसे एक्सेल में हम न्यू वर्कशीट ऐड करते जाएंगे, वो राइट साइड ही भरते जाएंगी, राइट साइड से जो लास्ट वर्कशीट है उसके पीछे उसके आगे वो ऐड होती जाएगी, है ना, सीक्वेंस ऐसा होगा। अभी बच्चों ये एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या दिया हुआ है, कंट्रोल एन।
हमारे कीबोर्ड में कंट्रोल की होती है ना। कंट्रोल प्लस एन, ये दोनों साथ में अगर प्रेस करें तो क्रिएट न्यू वर्कशीट होती है, वो मैं प्रैक्टिकल में बाद में दिखाती हूँ। और कंट्रोल एस, दैट मीन्स सेव द वर्कशीट। कंट्रोल प्लस सेव, कंट्रोल प्लस एस किया तो वर्कशीट सेव हो जाएंगी। और बच्चों हमारे यहाँ पे सेव करने के लिए क्या होता है, यस सेव के लिए के भी एक सेविंग का ऑप्शन होता है ना, जो हमने एमएस वर्ड में भी पढ़ा हुआ है, राइट। अभी आगे देखते हैं कैसे ऐड करना है। अभी बच्चों यहाँ पे देखो, ये वर्कशीट जैसे ओपन कर दे तो ये शीट वन, शीट टू, शीट थ्री दिखी बॉटम साइड में, है ना। आपके लेफ्ट साइड बॉटम साइड में आपको ये थ्री शीट्स दिखेंगी, दैट इज कॉल्ड वर्कशीट, है ना। और यहाँ पे ऐसा एक फोल्डर जैसा है, उसमें अगर हम इंसर्ट वर्कशीट पे जाएंगे, ये आइकॉन पे, दिस इज आइकॉन, मैं प्रैक्टिकली भी दिखा देती हूँ। क्लिक द इंसर्ट वर्कशीट आइकॉन, अ न्यू वर्कशीट अपीयर्स। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर ऐड हो जाएंगी। और इंसर्ट वर्कशीट के लिए ये शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F11। हमारे कीबोर्ड पे F11 की होती है और शिफ्ट की होती है, दोनों एक साथ प्रेस करें तो न्यू वर्कशीट जनरेट हो जाती है। एक्सेल ऐड न्यू वर्कशीट एंड डिफॉल्ट वर्कशीट नेम, उसका आगे का जो पार्ट है वो ऐड करके आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है बाय डिफॉल्ट थ्री वर्कशीट है और चौथी हमने ऐड की तो शीट फोर हो गई। एक्सेल ऐड न्यू वर्कशीट इमीडिएटली आफ्टर लास्ट वर्कशीट ऑन द राइट, उसके राइट साइड ही न्यू क्रिएट हो जाएंगे। तो चलो बच्चों प्रैक्टिकली देखते हैं। बच्चों अभी लास्ट इसमें हमने ये वर्कशीट ओपन कर दी। अभी ये वर्कशीट वन है, वर्कशीट टू है, वर्कशीट थ्री है। अभी ये आइकॉन है, देखो यहाँ पे जैसे भी मैंने कर्सर ला दिया तो क्या दिख रहा है, इंसर्ट वर्कशीट, है ना। इंसर्ट वर्कशीट आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँ तो मेरी शीट फोर आ गई, क्लिक किया तो शीट फाइव, है ना, शीट सिक्स। और ओके, तो हम पहले ये इंसर्ट कैसे करना है वो देख लिया, है ना। और बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, बाय डिफॉल्ट थ्री वर्कशीट होती है, राइट। अभी आगे का पार्ट क्या है, रीनेमिंग वर्कशीट। तो रीनेमिंग वर्कशीट कैसे करेंगे पता है बच्चों, ये वर्कशीट का नाम है, ये कौन सी टैब है, शीट टैब, उस पर हम डबल क्लिक करेंगे और मैं लिख देती हूँ यहाँ पे स्टैंडर्ड वन, स्टैंडर्ड वन, है ना। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैंडर्ड टू, है ना, डबल क्लिक किया स्टैंडर्ड थ्री, ओके। आप ऐसे रीनेम कर सकते हो, क्या करना है, डबल क्लिक करना है और नाम लिखना है वर्कशीट को, आप जो नाम जो डेटा ऐड करना है उसके अकॉर्डिंगली आप वर्कशीट को नाम दे सकते हो, है ना। मुझे स्टूडेंट डेटा जनरेट करना है इसलिए मैं स्टैंडर्ड वाइज नेम दे रही हूँ, स्टैंडर्ड फोर, है जो। चलो आगे का पार्ट देखते हैं। यस, रीनेमिंग वर्कशीट जो हमने अभी देखा, यू कैन रीनेम द एक्सेल वर्कशीट टू हेल्प एंड आइडेंटिफाई द कंटेंट। अभी कुछ भी डेटा हमको आइडेंटिफाई करना है, उसको अच्छे से बाइफर्गेट करना है तो उसको नेम देना जरूरी है ना। जैसे क्लास डिवाइड करते हैं, क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, है ना, वैसे। स्टेप वन, डबल क्लिक ऑन द टैब
वर्कशीट यू वॉन्ट टू रीनेम। जो वर्कशीट को आपको रीनेम करना है उस पर हम क्या करेंगे, टैब पे डबल क्लिक करेंगे, द नेम ऑफ द वर्कशीट इज हाईलाइट। जे हमने यहाँ पे डाला ना, शीट वन में हमने क्या डाला था, स्टैंडर्ड वन, स्टैंडर्ड टू, स्टैंडर्ड थ्री, ऐसे नाम डाला ना। ओके, नाउ टाइप अ न्यू नेम फॉर द वर्कशीट एंड देन प्रेस दी एंटर की। जैसे टाइप हो जाता है वैसे हम एंटर की क्लिक कर देनी है। ओके, तो वो रीनेम हो जाएगा। वर्कशीट के नेम यहाँ पे हम कितने कैरेक्टर्स ले सकते हैं पता है बच्चों, नेमिंग में 31 कैरेक्टर्स ले सकते हैं। वर्कशीट नेम कंटेन अप टू 31 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेसेस। यहाँ पे हम जो शीट वन है, शीट टू, शीट थ्री है, शीट फोर दिख रहा है, इसको हम रीनेम कर सकते हैं, पर कितने कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 31 तक उसका रीनेम कर सकते हैं। ओके, नाउ डिलीटिंग वर्कशीट, यू कैन डिलीट दी वर्कशीट नो लॉन्गर नीड इन योर वर्कबुक। अगर वो हमारे काम की चीज नहीं है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। मेक श्योर चेक दी कंटेंट ऑफ वर्कशीट कंटेंट बिफोर डिलीटिंग। पर बच्चों डिलीट कर, कोई भी चीज डिलीट करने के पहले हमने मेक श्योर करना है वो उसमें कोई डेटा जो भी एंटर किया हुआ है वो यूजफुल है या नहीं है, प्लीज चेक बिफोर डिलीट, बिकॉज वंस डिलीटेड इट कैन नॉट बी रिकवर बैक, वो फिर से रिकवर नहीं हो सकती है, इसलिए बी केयरफुल। अभी डिलीटिंग वर्कशीट में स्टेप वन क्या है बच्चों, स्टेप वन में हम देखेंगे राइट क्लिक ऑन दी वर्कशीट टैब। राइट क्लिक करना है वर्कशीट टैब पे एंड क्लिक ऑन डिलीट ऑप्शन, है ना। एक्सेल विल डिलीट दी वर्कशीट इमीडिएटली इफ देयर इज नो डेटा इन इट। एक्सेल ये तुरंत ही डिलीट कर देता है अगर वहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हमको क्या करना है, टैब पे जाना है, राइट क्लिक करना है एंड डिलीट ऑप्शन पे डिलीट क्लिक करना है, तो एक्सेल डिलीट हो जाएंगी, है ना। इफ वर्कशीट कंटेंस एनी डेटा एक्सेल प्रॉम्प्ट यू टू कंफर्म द डिलीटेशन। अगर एक्सेल में कोई डेटा एंटर किया हुआ है तो एक्सेल हमको पूछता है, एक परमिशन लेता है, एक ऐसी विंडो पॉपअप हो जाएंगी बिफोर डिलीटिंग कि आर यू श्योर ये आपको वो डिलीट करना है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ आता है। एंड स्टेप थ्री में क्या करना है, ओके अगर वी वॉन्ट टू डिलीट दिस वर्कशीट देन क्लिक ऑन डिलीट ऑप्शन, क्लिक ऑन डिलीट ऑप्शन, एक्सेल डिलीट दी वर्कशीट, फिर क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, राइट। अभी बच्चों हमने क्या पढ़ा, डिलीट का एक्सेल में रीनेम कैसे करना है एंड डिलीट कैसे करना है। अभी मूविंग एंड कॉपिंग वर्कशीट देखते हैं। यू कैन मूव द वर्कशीट विद इन वर्कबुक एंड टू रीअरेंज। आप वर्कशीट में ही वर्कशीट में उनकी जगह एक रीअरेंज कर सकते हो और कॉपी द वर्कशीट विद इन वर्कबुक और कॉपी भी कर सकते हो, राइट। तो उसके लिए पहले हम पढ़ लेते हैं स्टेप वन, मैं प्रैक्टिकली भी दिखा देती हूँ। स्टेप वन, राइट क्लिक ऑन द वर्कशीट टैब, क्लिक टू, क्लिक ऑन मूव और कॉपी, मूव और कॉपी डायलॉग बॉक्स अपीयर। हमको हमेशा शीट टैब पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है, उसमें हमको बहुत सारे ऑप्शन भी आ जाएंगे, मूव और कॉपी का भी आ जाएगा, तो मूव और कॉपी उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे फॉर मूविंग वर्कशीट सिलेक्ट दी शीट नेम, जो शीट को अगर हमको क्रिएट करना है या मूव करना है तो उसका नाम हमको पहले सिलेक्ट करना है, फिर क्लिक ऑन ओके, द वर्कशीट विल बी मूव और कॉपीड बिफोर सिलेक्टिंग द वर्कशीट, है ना।
और यू कैन ऑल्सो मूव और कॉपी द वर्कशीट टू एंड बाय सिलेक्टिंग ऑप्शन मूव टू एंड, है ना। वो पूछेगा कि आपको कौन से वर्कशीट की कॉपी क्रिएट करनी है, तो हमको वो वर्कशीट सिलेक्ट करनी है ना। और अदरवाइज मूव टू एंड, अगर मुझे वर्कशीट के एंड में ही दूसरी कॉपी क्रिएट करनी है तो वो भी मैं कर सकती हूँ। ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ बच्चों। मूव फॉर कॉपिंग द वर्कशीट, क्लिक ऑन द क्रिएट कॉपी ऑप्शन एंड देन परफॉर्म द सेम स्टेप एज डिस्क्राइब फॉर अ मूविंग वर्कशीट। एक्सेल विल कॉपी द वर्कशीट एज अ न्यू शीट इन द वर्कबुक एंड गिव इट टू डिफॉल्ट नेम। एक्सेल लेबल शीट कॉपीड विथ टू आफ्टर ओरिजिनल शीट नेम, है ना। जैसे कि ओरिजिनल शीट की हमने कॉपी कर दी तो उसको वो नंबर टू देता है। ये हम अभी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यस बच्चों, अभी हमको क्या करना है, ये जो वर्कशीट हमने क्रिएट की है ना, उनको रिनेम दिया है, तो उसको हमको पहले डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगी, चलो स्टैंडर्ड 4 को हम डिलीट करते हैं। तो मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे क्या आता है, डिलीट का ऑप्शन, है ना। तो मैं डिलीट सिलेक्ट करूंगी, देखो गायब हो गया। अभी स्टैंडर्ड 4 करते हैं, राइट क्लिक किया, डिलीट का ऑप्शन क्लिक किया, तो स्टैंडर्ड 3 भी गायब हो गया, डिलीट, है ना। तो हमने वर्कशीट को डिलीट करना जान दिया। अभी डिलीटिंग के बाद हमने क्या पढ़ा था, यस कॉपी एंड मूव। अभी मैं कॉपी और मूव को कैसे करूंगी, राइट क्लिक करूंगी और यहाँ पे मूव और कॉपी के ऑप्शन में क्लिक करूंगी। फिर उन्होंने वो क्या पूछ रहा है बच्चों, जैसे ही हमने मूव और कॉपी के ऑप्शन में क्लिक किया तो हमको वर्कबुक 2 दिखाई दी, फिर हमको 1/5 शीट दिखाई दी एंड 60 शीट नंबर 6 दिखाई दी और लास्ट ऑप्शन मूव टू एंड दिखाई दिया। अभी हम स्टैंडर्ड 1 को कॉपी करेंगे, है ना। तो स्टैंडर्ड 1 को मैंने सिलेक्ट किया और क्रिएट कॉपी कर दी। तो क्रिएट कॉपी कर दी ना, तो उसमें बच्चों क्या दिख रहा है, सी यहाँ पे स्टैंडर्ड 1 की कॉपी क्रिएट की, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड 1 तो है ही, बट स्टैंडर्ड 2 ऐसे उसकी कॉपी को नाम मिल गया है बाय डिफॉल्ट। अगर मुझे इसको मूव करना है तो मूव और कॉपी, मूव टू एंड करना है तो ये देखो बच्चों, स्टैंडर्ड 1 की मैंने क्या की, शीट जो कॉपी की हुई थी उसको मैंने मूव टू एंड कर दिया है। और उसको अगर डिलीट रीनेम करना है तो मैं क्या करूंगी, डबल क्लिक करूंगी और यहाँ पे स्टैंडर्ड 4 लिख दूंगी। दिखाई दिया स्टैंडर्ड 4, डबल क्लिक हो गया। स्टैंडर्ड 5, स्टैंडर्ड 5, ओके बच्चों दिखाई दिया। तो हमने डिलीट दिखा, मूव एंड कॉपी का ऑप्शन दिखा, राइट। अभी इंसर्टिंग रो देखते हैं। यू कैन इंसर्ट द रो इन योर वर्कशीट। एक्सेल एडजस्ट द सेल रेफरेंसेस टू न्यू लोकेशन इफ द रो दैट शिफ्टेड डाउन इंक्लूड एनी फॉर्मूला। दस इफ द फॉर्मूला इन द वर्कशीट रेफरेंस सेल रो 5 बिफोर
insertion, and then the cell insertion, the formula adjusts to row 6 after insertion. बच्चों for इसका meaning क्या होता है, आप row insert कर सकते हो worksheet में, right? But अगर आपके row में कोई formula लिखा हुआ है तो वो मूव हो जाएगा नेक्स्ट रो में, राइट? वो हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, फिर से देखना है तो एक्सेल में हम रो को इंसर्ट कर सकते हैं, अगर कोई फॉर्मूला रो में ऐड है तो वो भी मूव डाउन होगा, है ना? एक्सेल विल इंसर्ट द रो अबो रो यू सिलेक्ट. यस, आप जिस रो के पहले आप रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट दैट रो. एक्सेल हमेशा रो इंसर्ट करता है अबो द सिलेक्टेड रो. जो हमने रो सिलेक्ट की है उसके ऊपर ही रो इंसर्ट होगी. बच्चों इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रो इंसर्ट करने के लिए पहले क्लिक द हेडिंग ऑफ द रो बिलो. जो रो के ऊपर हमको रो इंसर्ट करनी है वो सिलेक्ट करेंगे, फिर क्लिक ऑन होम टैब. होम टैब पे क्लिक करेंगे ऑन द रिबन एंड क्लिक डाउन एरो ऑफ द इंसर्ट, है ना? यहाँ पे इंसर्ट का आएगा, रो इंसर्ट का ऑप्शन, उस पर हमको क्लिक करना है. जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी रो एड हो जाएंगी. न्यू रो अपीयर, ऑल दी रो फॉलो द शिफ्टेड डाउनवर्ड. जैसे ही न्यू रो एड होती है बाकी के सब रो डाउनवर्ड मूव हो जाएंगे. डी सिलेक्ट द रो एंड क्लिक ऑन एनी सेल. हम कौन से भी सेल के पहले भी इंसर्ट रो कर सकते हैं. ओके, नाउ इंसर्ट कॉलम. यू कैन ऐड द कॉलम टू यूअर वर्कशीट, इंसर्ट एडिशनल डेटा. हम कुछ एडिशनल डेटा ऐड करने के लिए इंसर्ट कॉलम भी कर सकते हैं. इफ एक्सेल इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट ऑफ द कॉलम यू सिलेक्ट. जो सिलेक्ट की हुई है कॉलम उसके लेफ्ट साइड कॉलम ऐड होगी, हमेशा लेफ्ट साइड ही ऐड होती है. एक्सेल विल इंसर्ट द कॉलम टू द लेफ्ट ऑफ द कॉलम सिलेक्टेड. जो कॉलम हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके लेफ्ट साइड में ही कॉलम इंसर्ट होगी. स्टेप वन, क्लिक द हेडिंग ऑफ द कॉलम टू द राइट वर यू वॉन्ट टू इंसर्ट न्यू कॉलम. पहले क्या करना है, हमको राइट क्लिक करना है, कॉलम सिलेक्ट करनी है, राइट क्लिक करना है, फिर होम टैब रिबन पे जाना है, क्लिक डाउन एरो एंड इंसर्ट. यहाँ पे देखना है इंसर्ट कॉलम, डिलीट कॉलम के ऑप्शन आते हैं, वहाँ पे जाके इंसर्ट कॉलम को ऐड करना है, है ना? इंसर्ट कॉलम को, कॉलम पे हमने जैसे ही क्लिक करते हैं तो न्यू कॉलम अपीयर हो जाती है और बाकी के जितनी भी कॉलम है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगे. ओके बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा, इंसर्टिंग रो एंड कॉलम, मूव एंड कॉपिंग वर्कशीट एंड डिलीटिंग वर्कशीट, रीनेमिंग वर्कशीट, है ना? तो चलो पहले हम देख लेते हैं इंसर्ट कॉलम एंड इंसर्ट रो करके, फिर यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक खत्म करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. ओके, तो चलो पहले देख लेते हैं. देखो स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे मैंने एक एक्सेल ओपन कर दी है जिसके लिए, है ना, क्या है, आपको पता चले कि रो इंसर्ट मैं कर सकती हूँ कैसे. तो हमको पहले क्या करना है, होम टैब पे जाना है, इंसर्ट पे, और यहाँ पे देखना है इंसर्ट. होम टैब पे हमको क्या देखना है, इंसर्ट कॉलम एंड इंसर्ट यहाँ पे दिखेगा, है ना? इंसर्ट
होम टैब पे हमको ये इंसर्ट ऑप्शन दिखेगा, इस पे हम जाएंगे तो ये क्या होगा, इंसर्ट रो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 नंबर की रो सिलेक्ट की हुई है, राइट। तो बच्चों यहाँ पे मैं इंसर्ट रो करूँगी, तो आपने देखा कि ये शीट क्या हो गई, डाउन हो गई, है ना। बाकी का जो भी अंडू कर देती हूँ, फिर से मैं देखती हूँ। होम टैब पे जाएंगे, होम टैब पे हमको कहाँ पे दिखेगा, इंसर्ट ऑप्शन, इंसर्ट ऑप्शन पे हम जाएंगे, इंसर्ट रो करेंगे तो ये हमारा इंसर्ट रो हो जाएगा। उस हिसाब से बच्चों आप इंसर्ट, अगर मुझे बी के आगे इंसर्ट करना है कॉलम, तो मैं बी को सिलेक्ट करूंगी एंड यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे मैंने कॉलम ऐड किया है तो मुझे ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, इंसर्ट कॉलम, तो वो बी के पहले इंसर्ट कॉलम हो गया। गॉट इट बच्चों, है ना। यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय।